नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। तृतीय चंद्रघटीति अर्थात माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा का है और नवरात्रि के तीसरे दिन करनी चाहिए माँ चंद्रघंटा की कथा। खासकर देवी उपासकों के लिए यह उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है जब साधक माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं तब साधक मणिपुर चक्र में साधना के प्रभाव से प्रवेश करता है। उन्हीं प्रभाव के कारण साधक को चंद्रघंटा की उपासना में ध्वनियां सुनाई देती है, अद्भुत वस्तुओं के दर्शन होते हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक वीर निर्भय बनता है, साधना में परम पद को प्राप्त करता है। अगर कोई मनुष्य बहुत क्रोध करता हो वो माँ चंद्रघंटा की उपासना से क्रोध मुक्त हो सकता है। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा और फोटो को एक चौकी पर रखें। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करें। माता को सिंदूर, अशक, धूप, दीप, पुष्प और दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद माँ चंद्रघंटा की आराधना के लिए ओ देवी चंद्रघंटाए नमः का जाप करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दर्शन।